हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिद्धराज अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे और इसकी पूरी जानकारी लेंगे। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, कब यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट कौन है, सबसे लेटेस्ट यूनेस्को की सूची में शामिल कौन हुआ, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहें, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पहले धीरे धीरे पॉइंट से शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, फिर सबसे छोटा, फिर शुरुआत करेंगे सबसे उत्तरतम, सबसे उत्तर में स्थित, सबसे उत्तरी उत्तरी ओर में, ठीक है। फिर क्वेश्चन सबसे पहला जो कि यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में सबसे पहले पहला और सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट का, मतलब सबसे लास्ट का यूनेस्को की सूची में कौन शामिल हुआ है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद टोटल धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा कि मन्नार की खाड़ी। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि सबसे भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सबसे पहले आप जानकारी ये लीजिए कि भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कितने हैं? 18 है, जिसमें 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में की सूची में शामिल किया गया है। और इसमें 12वां कौन सा है? तो पन्ना है, पन्ना 12वां पन्ना है, जो कि बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। 2020 में ये सबसे लेटेस्ट में ऐड हुआ है यूनेस्को की सूची में, ठीक है। सभी लोग अगस्त मलाई तक ही जानते हैं, इसलिए मैंने इसका चर्चा वीडियो के शुरुआत में ही कर दिया हूँ। चलिए ठीक है, आइए, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो डिब्रू साइखोवा। कौन सा है? डिब्रू, डिब्रू साइखोवा, साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, ठीक है। सबसे उत्तरी कौन सा है? तो सीत मरुस्थल। सबका लोकेशन भी बताऊंगा, स्टेट बाय स्टेट बताऊंगा, आप चिंता ना करें। और जो 12 यूनेस्को में सूची में शामिल किया गया वो कब कब हुआ है, एक तरफिए से आपको बता दूंगा, इस सब का भी टेंशन आप ना ले, ठीक है। सीत मरुस्थल, सीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए ठीक है, यूनेस्को के सूची में सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो ये नीलगिरी, 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 नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है सबसे पहले यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। फिर सबसे लास्ट में कौन सा हुआ है? तो मैंने चर्चा कर दिया है, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कब हुआ? तो 2020 में हुआ है ये। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको सिंपल सा था, बेसिक जानकारी था जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में था। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है। सबसे पहली बार यूनेस्को की सूची में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हुआ था, और सबसे लास्ट में पन्ना, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है, और सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा है, और सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सीत मरुस्थल है। मन्नार की खाड़ी जो है ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, डिब्रू साइखोवा असम में है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या होता है, ये सीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है, नीलगिरी ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के मुहाना पर है। चलिए ठीक है, पन्ना कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। चलिए यहाँ तक का जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद चलिए एक तरफिए से हम लोग सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को पढ़ेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं।
चलिए शुरू से करते हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं, ऊपर से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपको ऊपर से नीचे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ये आपका क्षेत्र है, देखिए हिमाचल प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है? हिमाचल प्रदेश है। यहाँ एक मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल जैव मंडल आर्चित क्षेत्र। आप नोट डाउन करते चलिएगा कि शीत मरुस्थल जैव मंडल आर्चित क्षेत्र कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको कोल्ड डिजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की सूची को अभी मैं लिस्ट दे दूंगा, आप टेंशन ना ले। दूसरा है उत्तराखंड में, ये आपका उत्तराखंड रहा, ये एचपी साइड में लिख लीजिए इसको, एचपी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। शीत मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा लिख लीजिए उत्तराखंड क्या है, नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए, ऊपर से ही नीचे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए सिक्किम, सिक्किम में जो है कौन सा है? सिक्किम में है कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अभी तक कितने हम लोग पढ़ते हैं? एक शीत मरुस्थल, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कंचनजंगा, ठीक है। चौथा हम लोग देख लेते हैं, डिब्रू साइखोवा असम का क्षेत्र में है। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा कहाँ है? असम में, चलिए ठीक। चार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पांचवा पढ़ लीजिए मानस, ये भी असम का ही भाग है, मानस, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये भी असम में है, ठीक है। छठा पढ़ लीजिए नौकरेक, नौकरेक पर्वत श्रेणी कहाँ है? नौकरेक। पांचवा पढ़ लीजिए नौकरेक, नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये मेघालय में है, कहाँ है? मेघालय, चलिए ठीक। पांच हो गया आपका, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या पढ़ लिए आपने? पांच पढ़े हैं, चलिए ठीक। फिर आइए छठा में आ जाइए, छठा पश्चिम बंगाल में है, ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो सुंदरबन। पांच हो गया छठा, तो ये आपका क्या, चार पांच, ये नौकरी छठा हम लोग पढ़े थे, ये सातवां हो जाएगा, चलिए ठीक। सातवां है नौ क्यों, सुंदरबन, सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में, चलिए ठीक। सुंदरबन पढ़ लिए, फिर अब सातवां हो गया, आठवां पढ़ लीजिए। आठवां है सिमलीपाल, कौन सा है? सिमलीपाल, सिमली पाल, सिमली पाल वन्यजीव अभयारण्य इसके नाम से भी है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आठवां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमली पाल कहाँ है? उड़ीसा, ओडिशा, चलिए ठीक है। चलिए आइए नौमा फिर देख लीजिए, नौमा है छत्तीसगढ़ का है, अचानक मार, छत्तीसगढ़ जो है ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नौमा है, ठीक है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ है, ठीक। फिर आ जाइए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का है पन्ना, पन्ना और पचगढ़ी, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, उसको इतना उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। इसको आप उतार लीजिए, मध्य प्रदेश में है पन्ना, ये किम्मा हो जाएगा, दसवां हो जाएगा पन्ना,
पन्ना, और 11वां हो जाएगा मध्य प्रदेश, दोनों मध्य प्रदेश में है। 11वां हो जाएगा आपका पंचमढ़ी, पंचमढ़ी लिखते चलिएगा सब, ठीक है? आपको एक दो बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। दोनों कहाँ है? एमपी में। चलिए ठीक, तो आपने अभी तक पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े हैं शुरू से पढ़ लीजिए। अभी तक आप 10-11 पढ़े हैं फिलहाल, फिर धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, शुरू में पढ़े हैं आपने शीत मरुस्थल 1, नंदा देवी 2। शीत मरुस्थल था कहाँ? हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड। तीसरा पढ़े हैं आपने सिक्किम में कंचनजंगा। चौथा पढ़े हैं डिब्रू साइखोवा असम, ठीक है? पांचवा पढ़े हैं मानस असम। छठा आपने पढ़े हैं नोक्रेक मेघालय। सातवां पढ़े हैं सुंदरबन, सुंदरबन के बारे में पढ़े हैं, क्या कहाँ पढ़े हैं सुंदरबन? पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक, उसके बाद सात हो गया। फिर आठवां आपने पढ़े हैं सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा आठवां पढ़े हैं। नौवां आपने पढ़े हैं अचानक मार छत्तीसगढ़। 10वां पढ़े हैं पन्ना मध्य प्रदेश। 11वां पढ़े पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो बचा हुआ है 11 पढ़ लिए हम लोग, अब 12वां से शुरू करते हैं। चलिए 12 से शुरू करते हैं। कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है? ये क्या हो गया? 12वां हो गया कच्छ का रण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका शेषाचलम, आंध्र प्रदेश का है। शेषाचलम, चलम, शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कच्छ का रण कहाँ था? गुजरात, ठीक है? ये क्या हो गया? 13वां हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका मन्नार की खाड़ी, जानते हैं सबसे बड़ा यही है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है? तमिलनाडु। ये क्या था? हम लोग 14वां पढ़े हैं, चार और बाकी है। ठीक, यहाँ के आसपास देख लीजिए, ये अगस्ता मलाई है, अगस्ता मलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहां से कि अगस्ता मलाई कहाँ है? केरला, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। चलिए ठीक, ये क्या हम लोग पढ़े? पदरमाई था। चलिए 16वां देख लेते हैं एक बार, नीलगिरी। देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के सटा हुआ क्षेत्र में नीलगिरी, ये भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी। ये क्या हो गया आपका? 16वां हो गया। नीलगिरी कहाँ कहाँ है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के सम्मिलित रूप में है। चलिए ठीक, फिर आपका बच गया, कौन कौन सा बच गया आपका एक बार देख लीजिए। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार देख लीजिए एक बार, ये जो क्षेत्र में है ग्रेट निकोबार, 17वां हो गया ही। ग्रेट निकोबार 17वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक। फिर 18वां बच गया, एक बच गया आपका, देख लेते हैं कौन बच गया है। आपका बच गया सुंदरबन हो गया, नीलगिरी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, मानस, ग्रेट सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, एक दिहांग दिबांग बच गया है, ठीक है? दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, ठीक। एक यहाँ हम लोग छोड़ चुके थे, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, अरुणाचल प्रदेश में था 18वां। ये सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नहीं है, हम सिर्फ 18 आपको गिना रहे हैं, ठीक है? दिहांग दिबांग, आप आशा करते हैं कि आपका नोट्स तैयार हो गया होगा। ये अरुणाचल प्रदेश का,
ठीक, तो इतने आपका क्या था, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और मैं आपको इसके बाद में जस्ट लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सा यूनेस्को की सूची में शामिल है और कितना ईस्वी में शामिल हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, टोटल 12 है जो कि यूनेस्को के सूची में शामिल है। सबसे पहले नंबर एक लिख देते हैं फटाफट, लिख उतार लीजिएगा, नीलगिरी। नीलगिरी कब शामिल हुआ है, ये 2000 ईस्वी में, फटाफट लिखिए इसको। दूसरा दूसरा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ है, यूनेस्को की सूची में मन्नार की खाड़ी 2001 में शामिल हुआ है, क्योंकि आप हेडिंग में इसका लिख लीजिए कि यूनेस्को के सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उसके बाद ये उतारते जाइएगा। टोटल 12 है, 12 का 12 मैं लिखवा रहा हूँ, फटाफट इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सुंदरबन, सुंदरबन, सुंदरबन कब शामिल हुआ है, तो ये 2001 में ये भी हुआ है। चलिए चौथा लिख लीजिए आप लोग, चौथा लिखिए नंदा देवी। नंदा देवी ये कब शामिल हुआ है, 2004 में। पांचवा लिख लीजिए, पांचवा लिख लीजिए नौकरेक। नौकरेक ये कब शामिल हुआ है, 2009 में। सब कहाँ कहाँ ये पता होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, छठा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये कब शामिल हुआ है यूनेस्को की सूची में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो है 2009 में ये भी। सातवां, सातवां है सिमलीपाल। सिमलीपाल, सिमलीपाल का हुआ है, तो ये भी 2009 में यूनेस्को की सूची में, ये भी 2009 में ही शामिल हुआ है। चलिए आठवां देख लीजिए, आठवां कौन है, अमरकंटक या अचानक मार। अचानक मार से नाम से याद करिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, अचानक मार ये कब हुआ है, अचानक मार 2012 में। चलिए ठीक, नौमा लिख लीजिए, नौमा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ये कब हुआ है शामिल, 2013 में। दसवां लिख लीजिए, दसवां आपका है अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई ये कब हुआ है, 2016 में। ग्यारहवां लिख लीजिए, सॉरी ग्यारहवां लिख लीजिए, ग्यारहवां है कंचनजंगा। कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ये कब, कब यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था, ये 2018 में। चलिए बारहवां लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट का बारहवां है पन्ना। पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ये कब शामिल हुआ है, 2020 में, ये भी घोषणा के अनुसार शामिल हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कौन कौन कहाँ कहाँ, एक बार देख लीजिए। नील जो यूनेस्को के सूची में जो शामिल है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये नीलगिरी जो कि केरला तमिलनाडु और कर्नाटका के, केरला तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, नौकरेक कहाँ है, ये मेघालय में है, मेघालय। ठीक, पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी एमपी में है। चलिए सिमलीपाल कहाँ है, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। फिर अचानक मार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगस्त मलाई कहाँ है, केरला और तमिलनाडु के बीच है। और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम है। पन्ना कहाँ है, एमपी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इतना आप लोग याद कर लें। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आने का संभावना यहाँ से हमेशा किसी भी एग्जाम में रहता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और किस वर्ष यूनेस्को के सूची में शामिल हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन
एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस वर्ष शामिल हुआ है, तो ये इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।